नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिल्मी मसाला टीवी में। आज की वीडियो है हर उस व्यक्ति के लिए जो अच्छे या बुरे कर्म करता है, तो उस कर्म का फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा। एक राजा था, वो बहुत धर्मात्मा और न्याय करने वाला था और वह भगवान का भी बहुत बड़ा भक्त था। उसने एक ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उस मंदिर का पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बहुत अच्छा और धर्मात्मा था। वह राजा से कभी भी कुछ नहीं मांगता था। उसके इस स्वभाव से राजा भी बहुत प्रसन्न थे और उसे राज मंदिर में पूजा करते 20 वर्ष बीत चुके थे। उसने कभी भी किसी भी प्रकार का राजा से प्रश्न नहीं किया। फिर राजा को एक दिन पुत्र पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर बुद्धिमान बनाया और उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या से करवा दी। शादी की रात को राजकन्या को नींद नहीं आई और वह इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने पति के पलंग के पास आई तो देखा कि एक चमचमाती हुई तलवार वहां रखी है। उसने उस तलवार को मयान से निकाला तो वह तलवार बिजली के समान चमकने लगी। यह देखकर वह डर गई और डर के कारण वह तलवार उसके हाथ से छूटकर राजकुमार के गर्दन पर जा गिरी और राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। वह राजकन्या अपने पति के मरने से बहुत दुखी हुई और वह यह सोचकर बहुत डर गई थी कि मैं सबको सच बताऊंगी तो कोई भी मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा। सुबह होते ही राजकन्या विलाप करने लगी और कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठा हो गए और राजा भी आ गया। राजा ने आकर पूछा किसने मारा है। राजकन्या कहने लगी मैं नहीं जानती वह कौन था, परंतु उसे मैंने ठाकुर जी के मंदिर की ओर जाते हुए देखा है। राजा के साथ सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में गए तो उन्होंने वहां ब्राह्मण को पूजा करते देखा। सभी ने उसे पकड़ लिया। ब्राह्मण ने बहुत कहा कि मैंने राजकुमार को नहीं मारा, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। राजा ने भी बार बार सोचा कि ब्राह्मण निर्दोष भी हो सकता है, लेकिन सभी के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है उस हाथ को काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने ब्राह्मण का हाथ कटवा दिया और इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी मानकर उसका राज्य छोड़कर चला गया। उसने फिर बहुत खोज की कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो अपने बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण उससे पूछूं। फिर उसे काशी में एक विद्वान ज्योतिषी मिले। वो ज्योतिषी से मिलने उनके घर गया तो वो ज्योतिषी वहाँ नहीं थे। उनकी पत्नी उसकी आलोचना कर रही थी और उन्हें बहुत भला बुरा कह रही थी। थोड़ी देर में वो ज्योतिषी घर आ गए। ज्योतिषी के घर आने के बाद भी उनकी पत्नी उनका तिरस्कार कर रही थी, पर ज्योतिषी चुप रहे। उन्होंने अपनी स्त्री से कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद वो अपनी गद्दी पर जाकर बैठ गए। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने कहा कहिए ब्राह्मण देवता, आपका कैसे आना हुआ। ब्राह्मण ने कहा आया तो अपने बारे में पूछने था, लेकिन पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है। तब ज्योतिषी ने कहा यह मेरी स्त्री नहीं मेरा कर्म है। दुनिया में हम जिसे भी देखते हैं, भाई हो, पुत्र हो, शिष्य, पिता या कोई भी संबंधी, वो सब हमारा अपना ही कर्म है। अपना किया हुआ कोई भी काम शुभ हो या अशुभ हमें भोगना ही पड़ता है, इसलिए मैं अपने कर्मों को खुशी से भोग रहा हूँ। ब्राह्मण ने पूछा आपने ऐसा क्या कर्म किया था। तो ज्योतिषी ने कहा पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और आज जो मेरी स्त्री है वो पूर्व जन्म में एक गधी थी। उसकी पीठ पर एक फोड़ा हो गया था और वह फोड़े की पीड़ा से बहुत दुखी थी। उस फोड़े में कीड़े पड़ गए थे जिन्हें खाने के लिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारता था, जिस कारण इसे असहाय दर्द होता था। एक बार इसके पीठ में चोंच मारते हुए मेरी चोंच इसकी हड्डी में घुस गई और यह दर्द से तड़प उठी। मैंने भी चोंच निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु वह कहीं अटक गई और नहीं निकल सकी। इसने सोचा कि पानी में मैं अपनी चोंच निकाल लूंगा। ऐसा सोचकर इसने गंगा नदी में प्रवेश कर दिया। गंगा का प्रभाव तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से ये ब्राह्मणी बनी और मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी बना।
और आज ये मेरी पत्नी बनी है, जो कुछ दिनों के लिए वो मुझे अपने मुंह से गाली निकाल कर मुझे दुख देगी, लेकिन मैंने इसे चोंच दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मारी थी, इसलिए इसकी समझ एक दिन ठीक हो जाएगी और अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर मैं इसे सहन कर रहा हूँ और मैं इसलिए ही शांत हूँ और उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिस दिन इसका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। अब आप कहो कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। ब्राह्मण ने अपना सारा समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निर अपराध का हाथ क्यों कटवाया। ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। इस पर ब्राह्मण ने पूछा, ऐसा किस प्रकार हुआ। तो ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या एक गाय थी तथा राजकुमार एक कसाई था। एक दिन कसाई गाय को मारने लगा, तब गाय अपनी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि गाय इधर तो नहीं आई, तो आपने जिस तरफ गाय गई थी उस तरफ आपने हाथ से इशारा किया, कसाई ने जाकर उस गाय को मार डाला। इतने में जंगल में एक शेर आया और वह गाय और कसाई को खा गया। कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला एवं पूर्व जन्म में किए हुए कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गाय को हसिये से मारा था। इसी कारण राजकन्या के हाथों गलती से ही तलवार गिरने के कारण राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निर्वृत्त हो गया और तुमने जो हाथ का इशारा किया था उस पाप का कर्म ने ही तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी और का नहीं। ऐसा सोचकर सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। दोस्तों, यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें तो हम किसी भी घोर कर्म का फल भोगते हुए दुखी नहीं होंगे। दोस्तों, इस वीडियो से हमें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ और ये वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट में बताएं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।